तांबे के कलश से ना करें शिव जी का दुधाभिषेक। शिवलिंग पूजा के समय ध्यान रखिए चार बातें, इससे होगा आपका पूजन सफल। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पेज। जी हाँ, शिवलिंग के पूजन के वक्त क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आज जानिए मेरे साथ। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं भगवान शिव। भारतवर्ष में भगवान शिव की आराधना करने वाले कई असंख्य भक्त हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति का जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहता है। शिवलिंग को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। बहुत से लोग शिवलिंग की पूजा करते समय संशय में पड़ जाते हैं कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या अर्पित करना चाहिए। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किस प्रकार करना है। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले भगवान गणेश पर जल अर्पित करें, इसके बाद शिवलिंग की पूजा करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के दौरान सबसे पहले हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। जल चढ़ाते समय भगवान शिव के बीज मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। अब ये था कि जल अभिषेक कैसे हो। अब जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग पर क्या सामग्री अर्पित करनी है। जी हाँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद दूध, दही, शहद आदि आपको अर्पित करने चाहिए। यदि गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो इसे स्टील के लोटे से ही चढ़ाना उत्तम माना जाता है। तांबे के लोटे से कच्चा दूध चढ़ाना भगवान को शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक झुककर करना शुभ नहीं होता। इसके अलावा जलाभिषेक करते समय सीधा खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक सीधे बैठकर ही करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।